यूपीएससी एग्जाम में 103 रैंक पाने वाले राजीव अग्रवाल का कहना है कि सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। बोले कि जब तक मेहनत करते रहें, जब तक आपको सफलता न मिल जाए। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है कि जिसको पास करने के लिए लोग दिन रात एक करते हैं और कभी कभार लोग जो है पास भी कर लेते और अधिकतर लोग पास नहीं भी कर पाते। आज ऐसे ही एक शख्स से बात करेंगे जिन्होंने जो है पाँचवीं बार में यूपीएससी का एग्ज़ाम टॉप किया और 103 रैंक जो है लेकर आए। राजू जी कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे चौथे प्रयास में सफलता मिली, उसमें मुझे IRS इनकम टैक्स मिला था, मैंने दोबारा प्रयास किया, इस बार मुझे 103वीं रैंक प्राप्त हुई है। और मुझे मतलब पाँचवा प्रयास था ये, मतलब चार मतलब आपको मतलब कम मार्क्स रहे और इसमें आपके जो रैंक काफ़ी अच्छे। लास्ट ईयर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, मुझे इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एक पोस्ट होती है, उस पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। इस बार ही मुझे सर मेरा रैंक इम्प्रूव हुआ है तो मुझे इंडियन पुलिस सर्विस मिल जाएगा, तो पहले साल से सर बेटर रिजल्ट है। अचानक मतलब ख्याल कहाँ से आया, क्योंकि आपने मतलब ग्रेजुएशन के बाद ये सब लोग करते हैं, प्लान करते हैं, आपने जॉब भी की और लगातार सरकारी नौकरी में भी रहे, फिर उसके बाद कैसे प्रयास आया कि सिविल सर्विसेज में आपको जाना चाहिए? सर थोड़ा थोड़ा तो मेरे मन में पहले से था, मैं किरावली में जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वहाँ के एक सीनियर थे हमारे, जब मैं 2008 में हाई स्कूल कर रहा था उससे लगभग 2 साल पहले उनका UPSC में सिलेक्शन हुआ, उनकी 30 रैंक आई थी। प्रदीप अग्रवाल हैं वो हमारे सीनियर हैं, वो अभी पंजाब में IAS हैं। तो सर थोड़ा थोड़ा तब से मन में था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे जल्दी जॉब करना पड़ा ज्वाइन, और UPSC की तैयारी थोड़ा टाइम लेती है, तो सर उस टाइम पे बैंक की जॉब मैंने डिसाइड किया कि पहले ये ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा उसमें जो प्रोसेस था सिलेक्शन से लेके एग्ज़ाम से लेके पूरे ज्वाइनिंग का वो फास्ट था, तो मैंने कहा थोड़ा सा सेल्फ सफिशियंट हो लेते हैं इकोनॉमिक सेंस में, थोड़ा स्टेबिलिटी के सेंस में। और सर लेकिन इस बीच में मेरा सब कुछ वहाँ जाने पे थोड़ा सा ऐसे हो गया कि ये जॉब भी अच्छा है यही कर लेते हैं। वहाँ पे मेरे को एक दो दोस्त मिले जो पहले से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सर मुझे मोटिवेट किया, फिर मैंने भी इधर उधर देखा और फिर मुझे लगा कि ये बेटर करियर ऑप्शन है, तो सर मैं उसमें ट्राई करने के लिए आ गया। आपने अभी एक इंटरव्यू में भी कहा कि आपके जब कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपके साथ मोटिवेशन वाले दोस्त होना चाहिए, उसका क्या मतलब लॉजिक क्या उसका? सर होता क्या है कि जब आप अपनी किसी भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से कोई बड़ा काम प्लान कर रहे होते हैं तो चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, तो कई बार ऐसा होगा कि उसमें आपको उस स्पीड पे या उस सेंस में सफलता नहीं मिल रही होगी जैसा आपने सोचा था। कई बार सेटबैक्स आ जाते हैं या फिर कई बार आपको सेल्फ डाउट आने लगते हैं, मोटिवेशन डाउन होने लगता है। तो जब आप एक बहुत बड़े एम की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनको आप शुभचिंतक बोल सकते हैं, जो आपका मोटिवेशन डाउन ना होने दें। उस टाइम पे जब आप लो फील कर रहे हैं तो वो आपको आपका जो लक्ष्य है वो याद दिलाएं, वो आपकी काबिलियत को याद दिलाएं। फॉर एग्जांपल अगर हम एपिक्स की बात करें तो जैसे महाभारत में रामायण में सर जामवंत हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि उनकी शक्तियाँ क्या हैं, तो हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत होती है जब हम कोई बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हम कभी भी आगे बढ़ते हैं तो मतलब हमें मोटिवेट करने वाले होते हैं और डिस्करेज करने वाले काफ़ी लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता था कि यार चार प्रयास हमारे हो गए हैं कि अब नहीं छोड़ दें, अब इसको प्रयास ना करें, कहीं कभी लगा आपको जो? सर ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी बड़ी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपका इनर मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपका केवल आउटर मोटिवेशन है, कहीं पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं, फ्रेंड्स आपको बोल रहे हैं, तो आप बहुत लंबे समय तक एक सस्टेनेबल लेवल पे प्रयास नहीं कर सकते हैं, तो एक इनर मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। तो सर ऑब्वियसली जब मैं फेल हो रहा था, पहले दो बार में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला, तीसरे बार में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ लेकिन मेंस मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ, तो एक बार ही लगा कि मतलब शायद बहुत मुश्किल चीज़ है, नहीं करना चाहिए। लेकिन सर एक इनर कॉलिंग होती है कि आपको लगता है कि हम इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, थोड़े से एफर्ट हमारे में कमी है। कई बार क्या होता है कि आप एफर्ट्स बहुत डाल रहे होते हैं लेकिन आप वो स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं कर रहे, आपके तैयारी में या फिर जो आप प्लान फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ कमियाँ होती हैं। तो सर फिर मैंने उनको आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या कमियाँ हो रही हैं, उन पर वर्क किया, और फिर ये जो सर मैंने आपको बताया फ्रेंड्स हैं उन लोगों ने भी उस टाइम पर मुझे मोटिवेट किया, जो मैं सस्टेन कर पा रहा था जो लो लेवल्स थे उनसे निकलने में। तो ये सर सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, आप अपने तैयारी के बाद आपके दोस्त आपको मोटिवेट करें, आपके पास ऐसे लोग हों जो आपको अच्छा ही बता रहे हैं उस टाइम पे, जो डिमोटिवेट करने वाले लोग हैं आप उनसे अलग हो जाइए। सही कहा कि आपकी जो परिस्थिति देख के लग रहा है, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवाओं से कि उठो और जब तक चलते रहो तब तक अपनी जो मंजिल को आप हासिल ना कर लो, तो मतलब ऐसे हम देखते हैं काफ़ी लोग प्रयास करते हैं। पहले जब अगर पूरे देश में बात करें तो कहा जाता था कि ISPCS UP और बिहार से निकलते हैं, पर अब धीरे धीरे वो ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरता हुआ चला आ रहा है, उसका क्या कारण लगता है आपको?
सर पिछले कुछ सालों में ऐसा रहा है कि यूपी बिहार से सिविल सेवा परीक्षा में सिलेक्शन कम रहा है, लेकिन अगर हम पिछले 2-3 साल से देखें तो सर काफ़ी अधिक संख्या में लोग यूपी और बिहार से निकल रहे हैं। मेरा मानना है कि शायद 100 से ज़्यादा लोग पिछले साल भी यूपी से थे और इस बार भी लगभग 100 लोग यूपी से हो सकते हैं टोटल। सही कहा, ये वो हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत अपने जीवन काल में की है और उसने करके दिखाया है उन्होंने कि बार बार जो उन्होंने प्रयास किए और प्रयास करने के बाद अपने लक्ष्य को हासिल किया, यही वो राजीव अग्रवाल हैं जिन्होंने यूपीएससी में 103 रैंक लाकर अपने माँ बाप का नहीं, अपने शहर का नहीं, अपने प्रदेश का नाम भी जो है कहीं ना कहीं उन्होंने रोशन किया और आने वाले वक्त में ये पुलिस कैडर में जाएंगे और वह पुलिस में जो जो उन्होंने सोचा है उसको वो करके दिखाएंगे। कैमरामैन राहुल के साथ लक्ष्मी राज सिंह, सी न्यूज़ आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।